हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं दीपक टेक्नोलॉजी चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन करीब करीब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, फाइंड द टू सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो सम है उसका प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम किए थे। आप लोग जाकर यूट्यूब में दीपक टेक्नोलॉजी चैनल के वीडियोज में जाकर वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग करने जा रहे हैं फाइंड ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इस प्रोग्राम का या थ्योरी का, तो आप लोग कोडिंग एडवेंचर्स में जाकर नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, जो कि अनमोल प्रिंस मेरा फ्रेंड है, वो प्रोग्राम बनाता है, लिखता है प्रोग्राम, वो नोट्स तैयार करता है, जहां से आप लोग जाकर नोट्स मिल जाएगा आप लोग को जाने पर। और आप लोग को नोट्स के लिए मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उनका लिंक। आप लोग वहां से जाकर लिंक से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं, और मैं यहां पर आप लोग को वीडियो के थ्रू से समझाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद कैसे उसका आउटपुट रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग करते हैं ये जो छोटा सा प्रोग्राम है। ये जो है प्रोग्राम लिखने का ये एक ढांचा है। इससे पहले मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करवाया, उसमें आप लोग जा रहेंगे तो थोड़ा सा आप लोग का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा अच्छे तरीका से भी बता दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा आप लोग को पूरा समझ में। देखिये, पहले जो हम लिखे हैश इंक्लूड एचटीटीपीएस, इस हैश को जो बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेसर, प्री डिफाइंड प्रोसेसर ये हैश जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेसर। उसके बाद ये जो स्टीडियो एच है, यहां पर देखिए मैंने लिख दिया हैश प्री डिफाइंड प्रोसेसर। उसके बाद ये जो स्टीडियो है, एसटीडीओ, इसका मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इसका आउटपुट, ठीक है। एसटीडीओ का जो ये होता है वो होता है इनपुट आउटपुट। डॉट एच जो है ये है एक्सटेंशन, ये क्या एक्सटेंशन। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है आप लोग को पूरा करना पड़ेगा, इसके बाद आप लोग रन कर सकते हैं। प्रोग्राम को मैं बताऊंगा तो ये लोग आप लोग पहले जान लीजिए कि ये क्या होता है इसमें। उसके बाद इसमें बता दिया कोनियो जो एच होता है, इसका होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। वॉइड में जो होता है ये फंक्शन के लिए है, ठीक है। ये जो क्लियर स्क्रीन होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। हम लोग जो प्रोग्राम में इस चीज का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग इससे पहले कोई प्रोग्राम किए हैं उसको अर्लियर प्रोग्राम को वो डिलीट करता है, यानी कि क्लियर करा देता है, जिससे कि न्यू प्रोग्राम आए और वो रन करने लगे। उसके बाद इंट, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, कि ये जो सम लिखा है इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंट है, प्रिंट एन, देखिए हम लोग इंट वेरिएबल में एनएम क्यों लिए, वेरिएबल दोस्तों हम लोग एनएम लिए क्योंकि हम लोग को एक एन का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक एम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर दोनों का जो है सम निकलेगा। तो हम लोग वेरिएबल ये क्योंकि यहां पर बताया गया है दो नंबर का हम लोग को सम निकालना है। फिर हम लोग प्रिंट एन एम सम क्यों किए, हम लोग प्रिंट एन एम सम इसलिए किए क्योंकि हम लोग को जो प्रिंट कराना है, हम लोग को डेस्कटॉप पे उसका रिजल्ट लाना है, हम लोग जो प्रोग्राम किए उसको कंपाइल करने के बाद रन जो करेंगे, हम लोग को कुछ आउटपुट चाहिए, तो वो आउटपुट प्रिंट होके हम लोग को डेस्कटॉप पर आ जाए, मतलब जहां पे प्रोग्राम करे वहां पर आ जाए, इसीलिए हम लोग यहां पर लिखे हैं प्रिंट एनएम। उसके बाद ये जो है इसको, ये भी फंक्शन होता है, ठीक है, स्कैन एप भी फंक्शन होता है, स्कैन एप होता है स्कैन कराने के लिए, हम लोग जो प्रिंट कराए उसको दर्शन शो करवाने के लिए। प्रिंट एप में एंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर, इसमें हम लोग लिखेंगे दो नंबर का वैल्यू एंटर करवाने के लिए। उसके बाद स्कैन एप में परसेंट डी, परसेंट डी दो बार हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि एक लिए हैं एन के लिए, एक लिए हैं एम के लिए, ठीक है, दो बार हम लोग स्कैन एप एंड एम एंड
एम लिए, क्योंकि एक बार एन के लिए, उसके बाद ये जो है सम इक्वल टू एन प्लस ये प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, प्रोसेसिंग करवाने के लिए। उसके बाद प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर, सम हम लोग पहले प्रिंट करवाएं एन एम के वैल्यू को, दो वैल्यू लेंगे एंटर करवाएं, फिर अब हम लोग को किसको प्रिंट करवाएंगे, नंबर को प्रिंट कराएंगे जिसको हम लोग को सम करना है। उसके बाद गेज का जो मीनिंग होता है, गेज मतलब होता है टू होल्ड स्क्रीन, टू होल्ड स्क्रीन। दोस्तों हम लोग को जो आउटपुट चाहिए, हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं रन करने के बाद जो उसका रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो रिजल्ट के लिए हम लोग गेज करते हैं। गेज लिखने पर जो स्क्रीन है उस पर हम लोग को क्या होगा, होल्ड करेगा, आउटपुट जो निकलेगा वो होल्ड करेगा। और देखे क्लियर स्क्रीन वॉइड में के बाद हम लोग ओपन ब्रैकेट किए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा दिए। दोस्तों ये था सिंटेक्स, एक ढांचा था प्रोग्राम लिखने का। ये लिखने के बाद अब हम लोग देखते हैं प्रोग्राम रन कैसे करता है। इसमें दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी चीज को मिस करते हैं तो आप लोग का प्रोग्राम एरर बताएगा, रन नहीं करेगा। अब मान लीजिए हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो पहले आपको बता देगा एन इको का कोई वैल्यू लेंगे, एन का वैल्यू 8 लेंगे, एम का कोई वैल्यू लेंगे 9 लेंगे, तो हम लोग को आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट निकल जाएगा 17, ठीक है, एन का वैल्यू, एम का वैल्यू, फिर आउटपुट 17 निकल जाएगा। आप लोग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर 10 लेंगे 15 लेंगे तो इसका जो आउटपुट देगा वो देगा 25, ये ऑटोमेटिकली दे देगा। तो दोस्तों ये था सी प्रोग्राम का, सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम। इसको हम लोग अगर ये आउटपुट कैसे देगा, ये पूरा पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम जैसे मैंने लिखा है वो प्रोग्राम आप लोग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद कंपाइल करने के लिए ऑल्ट प्लस F9 से क्या करेगा कंपाइल, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ ऑल्ट प्लस F9 से क्या होगा, कंपाइल होगा, कंपाइल। उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 से क्या होगा, रन होगा प्रोग्राम, रन। कंपाइल क्यों होता है, कंपाइल में आप लोग को बता दिया जाएगा कि प्रोग्राम में कुछ एरर है या प्रोग्राम पूरा क्लियर है, कुछ एरर है तो वहां पे मार्क कर दिया जाएगा, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 करने से प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो दोस्तों यही था, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।